कई लोगों को लगता है कि भैया मेडिकल स्टोर चलाना या फिर आप एक मेडिकल फील्ड में काम कर रहे हो तो काफी इजी होता है, लेकिन GoPro लिया जाए या M50 कैमरा ले। मेडिकल फील्ड में ऐसे ऐसे आते हैं लोग, कटे फटे छोटे फोटे, तो बहुत मजा। हे गाइस, वेलकम टू द मेडिकल ब्लॉगर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरी तरह ही अच्छे होंगे। तो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं गाइस। इस तरीके से अभी का शाम हो रहा है, लगभग 4:15 हो गया है, तो काफ़ी टाइम से मैं ब्लॉगिंग नहीं कर रहा हूँ और आज टाइम मिला है, सोचा आज ब्लॉगिंग कर ही लूँ, क्योंकि अब ब्लॉगिंग में एक कैरियर बनाने की सोच रहा हूँ। वैसे मैं दोस्तों ब्लॉग्स या वीडियोस तो यूट्यूब पे हूँ ही, काफ़ी टाइम से 4 साल से बना ही रहा हूँ। तो आज मैंने कुछ ऐसे सोचा कि भैया GoPro लिया जाए या M50 कैमरा लिया जाए, जो DSLR या मिररलेस कैमरा है, जो उसके बारे में सोच ही रहा था। तो सोचा चलो आज ब्लॉग बना ही लेता हूँ, काफ़ी टाइम हो गया था ब्लॉग नहीं बनाए हुए, और ब्लॉगिंग में धीरे धीरे बनाने के लिए इसलिए तैयारी भी कर रहा हूँ कि चलो ब्लॉगिंग भी बराबर बनता रहे। और अभी तो फिलहाल मोबाइल से ही मैं ब्लॉग्स बना रहा हूँ और यूट्यूब वीडियोज भी बनाता हूँ। वैसे तो मेरे पास एक्सटर्नल माइक्स वगैरह रखे हुए हैं, शॉटगन माइक रखे, लेकिन मोबाइल पर थोड़ा अजीब सा आउट सा लगता है। तो बस आज ऐसे सोच रहा था कुछ कि GoPro लिया जाए या नहीं लिया जाए, तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है, क्योंकि सबके दोनों के अलग अलग फ़ायदे होते हैं, अलग अलग नुकसान होते हैं। अगर हम बात करें कैमरे की, जो DSLR मिररलेस कैमरा होता है थोड़ा बल्की होता है, और अगर बाहर कहीं ब्लॉग कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब अजीब सा आउट सा लगता है। और वहीं पर GoPro की बात करें तो बहुत ज़्यादा स्लिम एंड छोटा सा होता है, तो आप इजीली उसको हैंडल कर पाते हैं। अब जैसे कि मोबाइल ही है, आप कितने देर तक उसको हैंडल कर पाएंगे, तो वो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। मेडिकल फील्ड में ऐसे ऐसे आते हैं लोग, कटे फटे छोटे फोटे, तो बहुत मजा आता है उनको पट्टी वट्टी खिलने में, जो खिला देना खूब मजा आता है उसमें। कई लोगों को लगता है कि भैया मेडिकल स्टोर चलाना या फिर आप एक मेडिकल फील्ड में काम कर रहे हो तो काफी इजी होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो लोग करते हैं मेडिकल में वर्क वगैरह, उनको भी पता होता है कितने रिस्ट्रिक्शन होते हैं, कितनी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, क्या क्या चीजें आपको मेंटेन करके रखनी पड़ती है। वहीं पर अगर कोई लोग आ गया और उसको कुछ हो गया, या आपने कुछ दवाइयां या इंजेक्शन कुछ गलत दे दिया, तो उसकी जान तो आएगी आएगी, बाद में आपकी खैर नहीं होगी। तो वो चीजें आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी पड़ती है। लेकिन कई लोगों को ऐसा लगता है भैया मेडिकल वाले हैं, मेडिकल में बहुत ज्यादा मार्जिन है। ये तो आपने सुनी होगी कि भैया जो लोग कहते हैं कि मेडिकल में तो बहुत ज्यादा मार्जिन है, लेकिन मेडिकल एक चलाना बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है किसी का। तो बहुत सारी चीजें हैं जो मेडिकल फील्ड में आपको ध्यान रखनी पड़ती है, या फिर जिन बातों का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। सो अगर आप भी मेडिकल फील्ड में आना चाह रहे हैं तो अच्छी बात है, आइए, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा आपको रखनी चाहिए अपनी। मैं मेडिकल शॉप पे हूँ अभी फिलहाल, लंच करके आया हूँ, और पंखा उनका देख लो आप पूरा बंद कर रखा है, ताकि साउंड क्वालिटी जो वो आपको अच्छी मिले। तो इस चैनल पे कंटिन्यूसली ब्लॉगिंग करने की सोच ही रहा हूँ, डेली ब्लॉगिंग करने की, लेकिन थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है शुरू शुरू में, लेकिन अब मैं सोच ही रहा हूँ कि कंटिन्यू ब्लॉगिंग करता ही रहूँ इस चीज पे, ताकि आपको ब्लॉग्स मिलते रहें। तो आज का ये छोटा सा ब्लॉग था जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, जो लाइव में चल रहा है। बाकी आगे ब्लॉगिंग वगैरह मैं कंटिन्यू करने ही वाला हूँ। ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं आपको तो ब्लॉग्स को लाइक किया करो, चैनल पर नए हो आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, थोड़ा बहुत आपका प्यार और सपोर्ट ही चाहिए ताकि हम भी आगे बढ़ सकें। तो मिलते हैं नए ब्लॉग में। ओके, बाय, टाटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।